क्या कर रहा है उधर? चलो उधर चलो जो रख दिए, पड़े पड़े गंदे हो रहे थे। भाई मम्मी तो नीचे है।
जिगर की शॉट अच्छी लग रही है, चाचू की भी अच्छी लग रही है, जीगू की भी अच्छी लग रही है। तो वो लेडीज को इधर बैठे जिन बाद में बैठा है ना थोड़ी देर बाद, हाँ। तो एक जन दोनों में से साड़ी बन के तैयार होंगे, साड़ी दिखा रहे, वो आपको भी बैठना ही है पर साड़ी के बाद ही है वो इधर बैठ के 5 मिनट में इधर ही 5 मिनट दोनों में से एक कोई ओके गाइस। सो मैं यहाँ पे सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, वो भी बना रही हूँ उत्तपम, और मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे है, इसलिए मैं आपको सेम ड्रेस में दिख रही हूँ क्योंकि कल मैंने यही ड्रेस पहना था। उसके बाद क्या हुआ, शावर लेने के बाद मैंने साड़ी पहन ली, फिर रात में मैंने यही ड्रेस डाल लिया था क्योंकि मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि साड़ी पहनकर सोना इम्पॉसिबल है, और थैंक गॉड कि मैं एक ड्रेस लेके आ गई, अदरवाइज़ बैंड बजने वाली थी, रात में साड़ी पहन के ही सोना पड़ता। सो आपको ये ड्रेस बहुत बार रिपीट दिखेगी क्योंकि यहाँ पे सूट लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली सूट नहीं पहनना होता है, सूट सिर्फ मैं आने जाने के लिए लाई थी जो कि एक ग्रीन कुर्ती पहन कर आई थी, और जाने में भी एक लाई हूँ जो कि आपको आगे व्लॉग्स में दिख जाएगा जाते हुए। सो दैट्स व्हाई ये सूट आपको बार बार रिपीट दिख रहा है, सो प्लीज़ माइंड मत करना आप लोग। ओके गाइस, सो अभी नाश्ता हो गया, मैं किचन क्लीन करके आई मीन प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करके मैंने बर्तन धो दिए हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे मेड तो होती नहीं है तो खुद ही करना पड़ता है, और अब मैं जाऊँगी ये करके शावर लेने के लिए क्योंकि तैयार होना है ना, ऑलरेडी तैयार हो गई है। गाइज वेल, आज है नेक्स्ट डे, और कौन सी तारीख है आज, आज है 12 तारीख, और सुबह से बस वही काम धाम नाश्ता वाश्ता चल रहा था। अभी जस्ट मैंने शावर लिया है, हीना सुबह ही तैयार हो गई थी, मैंने अभी तैयार हुई। अभी कितना बज रहा है सुशील जी, टाइम कितना हुआ? अब मैं पल्लू लगवाने के लिए खड़ी हूँ, मैंने और हीना ने सेम साड़ी पहनी है, आज 12 बज गया इस टाइम, और हीना ना पल्लू लगा दो भाई। हाँ लगा दी, अरे बच्चे लोगों का हो गया यार, ये जिगर ने खाया। हाँ, ये मेरा बच्चा, इधर आ जा थोड़ा सा जिगर, हो गया इधर आ, वो मत जिगर जब तक अच्छा गाड़ी अभी इसको रुलाना मत, कोई नहीं है गाड़ी दिखा दो बेटू, गाड़ी दिखा दो, गुड गुड, बहुत प्यारी गाड़ी है बेटू है, अब मैं कर देता हूं। वो अरे वो कब से रोए जा रहा है, पापा पापा मैं उनको फोन करके बुलाई, ये देखो हाँ देखो अभी हम दोनों की, अभी हम लोग करेंगे, पहले मैं पिन लगवा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। हाँ अब मैं रेडी हो गई हूँ, और हिना ने अपना बढ़िया से लगा लिया पिन, लेकिन इसने मेरा अच्छे से नहीं लगाया, कोई नहीं अच्छे से लग गया, मजाक कर रही हूँ यार, लगा लिया ना, इसको पिन लगाना आता है ना मेरे को, बट फिर भी चलो लगा लिया जैसे तैसे। तो ये हम दोनों की सेम टू सेम साड़ी है, देख सकते हो है ना। अब ये हिना की साड़ी, डे थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा बस साड़ी, एक्चुअली क्या आपके में ब्लैक लाइन है, मेरे में गोल्डन लाइन है, बस गोल्डन लाइन है, बस सेम है। हाँ मेरी दिखा दो, ये नहीं देखो मैं ठीक ली हूँ ना, सही है। हाँ बस 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 फोटो ले लिया। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और आज है बड़ी पूनम, जो लोग दुग्गड़ हैं या मारवाड़ी हैं वो जानते होंगे पूनम क्या है, तो यहाँ पे सब लोग दर्शन करने आते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको। सो आज है बड़ी पूनम, और हमने अपनी दादी सास को बिठा दिया है, जो कार्यक्रम था वो कल हो चुका है, अब क्या होता है ना आज उनके नाम के लिए खाना खिलाया जाता है, तो आज वही है, कल बिठा दिया, आज खाना है।
सो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और बस और कुछ नहीं। आगे बड़ी मम्मी जीवो को लेके तो रो रहा था ना, चोरी चोरी ओ लग जाएगी। सट्टी तो स्पेशल पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, गोबर होता है ना, गोबर बनती है अभी बता रहा था इसे। देखो पार्टी से देखो कितनी बड़ी, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी बाटी देखना, देखो ना क्या बोले बाटी, देखो ये बाटी क्या वो बन रही है गोबर के अंदर, टेस्ट अलग होती है। हाँ। अच्छी बोल देखे टेस्ट, हलवा ही बना रहे अच्छा बढ़िया होगा। कोई मुझे देख लिया तो दूर से झुकके कैसे चल रहा है बाहर, इधर ही सबको खाना खिला रहे हैं सब लोग, हम लोग बाद में खाएंगे, पहले ये लोग खा लें क्योंकि गांव के लोग भी आए हैं खाने के लिए, सो फैमिली वगैरह बाद में सबसे लास्ट में खाएंगे। और बस बैठी हूँ, भूख लगी मेरे को बहुत ज्यादा, तो बस कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, जो नाश्ता बनाया था ना उपम क्या बनाया था उत्तपम बनाया था वो भी नहीं खाया मैंने, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे मैं। ये दिलदार ऐसे होना भी चाहिए। हाँ लेट इट बी, उनको वैसे रहने दो ना, अपन को वैसे बनने का क्या जरूरत है ना, फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहता है। हाँ क्या बन रहा है मंकू का दूध, तो चलिए चलते हैं नीचे। आज मैं वीडियो बना नहीं रही तो दोनों बोल रहे काम वीडियो बना लो, देखते हैं सब देखते हैं, दूसरे नहीं देखते अब मैं पता ही लेती हूँ। ये पता नहीं कौन से नंबर के देवर जी हैं, बहुत सारे देवर हैं, फोर्थ नंबर अच्छा। अरे मम्मी किधर गई, मम्मी दुकान में, दुकान में चलो दुकान दिखा दुकान में, कसम से यार साड़ी साड़ी में झेल तीन अच्छे खास हेल्दी लोग हैं, आप लोग कौन हेल्दी, हम दोनों हम दोनों का वेट सेम है 70-70, बट एक्चुअली हिना की थोड़ी हाइट है ना तो उसका वजन पता नहीं चलता है मेरे को। कौन सा मंदिर है, शीतला माता, सीता माता वो वाला मंदिर नहीं घूमा मैंने, एक ले गए थे ये मुझे कहा, कौन सा मंदिर नहीं घूमा, अरे यार ये ऐसे ही ले लिए, मैं तो बोटल छिटा के ले लेती हूँ, मेरे ना ऐसे ही बातें ऐसे में नहीं होते। और अरे मयंक दे दो हमको, दे दो हमको, दे दो अरे रानी बिटिया क्यों पाली छान रहती है इतनी है, चाचू कैसे लेंगे दो दो जन को। ओके गाइस, सो मैं आज के व्लॉग को इधर ही फिनिश करती हूँ और कल व्लॉग इधर ही से कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है नई नई यहाँ पे जो मम्मी ने बताई हैं, तो कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना होगा। सो
दोस्तों, अगर आप एवरटीन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, एवरटीन एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है जो कि डील करता है फेमिनिन हाइजीन के प्रोडक्ट्स से। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बता चुकी हूँ जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। इंटीमेट वॉश, सो अगर आप कोई भी इंटीमेट वॉश ढूंढ रहे हैं तो एवरटीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है बिकॉज मैं खुद यूज करती हूँ। सो इंटीमेट वॉश क्या होता है? इंटीमेट वॉश होता है कि हम रोज बात लेते हैं तो हमें अपने इंटरनल पार्ट को भी क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, उसका पीएच लेवल मेंटेन रहता है और आपकी इचिंग, वाइट डिस्चार्ज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे वो अवॉइड हो जाती हैं। तो आपको जरूर एवरी डे इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप कोई अच्छा हर्बल इंटीमेट वॉश ढूंढ रही हो तो आप एवरटीन का इंटीमेट वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है स्नैपडील पे, अवेलेबल है अमेजोन पे, अवेलेबल है एवरटीन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सो इन तीनों चारों के लिंक, इवन पेटीएम पे भी अवेलेबल है, चारों के लिंक मैंने दे दी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे।